मकसूद चपरासी का है। ये मकसूद चपरासी का मसला है जिसकी वजह से ये फिर इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये खापे चल रहे हैं, ये नई नई स्कीमें बना रहे हैं। इससे पहले इन्होंने हैट्रिक कर ली है स्कीम्स बनाने की और तीनों दफा ये फ्लॉप हुए हैं। इन्होंने जलसे करके देखे फ्लॉप हुए, इन्होंने मार्च करके देखा फ्लॉप हुए, इनके इस्तीफे बने लतीफे और अब अदम एतमाद की जो बातें करते हैं उसमें भी ये पहले नाकाम हो चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब एतमाद का जब वोट ले रहे थे तब भी ये नाकाम हो चुके हैं, उससे पहले सेनेट के अंदर भी ये नाकाम हो चुके हैं और अब एक बार फिर ये शोशा छोड़ रहे हैं कि जी हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। मसला मकसूद चपरासी का है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपए और उसके अकाउंट में चले जाते हैं 3,75,00,00,00 रुपया। इसी तरह इनके 14 मुलाजमीन हैं, किसी की तनख्वाह 15,000 है, किसी की 20,000 है, लेकिन उनके अकाउंट्स में चले जाते हैं 1,600,00,00,00 रुपया। इसका जवाब देना है शहबाज शरीफ ने, इसका जवाब देना है उन्होंने और बाकी जो सारे केसेस हैं। तो इन सब केसेस से निजात के लिए एक बार फिर ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बारगेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब से ये इनका तहरीरी लिखा हुआ मुआयदा जो इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया कि आप इमरान खान साहब से इस पर बात करें, 1999 नवंबर की 16 तारीख से पहले पहले के सारे केसेस हमारे माफ कर दें। यानी कि दूसरी सूरत में ये मांग रहे हैं एनआरओ और उसी के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं। इनके इकट्ठे होने से हमें खुशी होती है क्योंकि जब जब ये इकट्ठे होते हैं हमें इससे फायदा होता है और इनका इकट्ठा होना ही अच्छा है क्योंकि ये एक जैसे हैं, इनकी करप्शन एक जैसी, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक जैसी, इनके बिरूने मुल्क असासे एक जैसे। जब एक जैसे हैं तो ये इकट्ठे लगते हैं। इनको हम सिर्फ यही कहेंगे कि आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल रब्ता मुमकिन नहीं है और मतलूबा नंबर आपने डायल करना है 2 साल के बाद। और मतलूबा नंबर किसका है? मतलूबा नंबर है जनरल इलेक्शन का जो अक्टूबर 2023 में होंगे। जब आप मैदान में आएंगे एक बार फिर आपको शिकस्त होगी और फिर आप इसी तरह से अपनी नई स्कीम्स निकालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के आज जो हालात हैं इस पर मैं सरसरी सी बात करूंगा, फिर वलीद इकबाल साहब आपसे बात करेंगे कि आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपको बताती है कि 5.37% पे हमारी ग्रोथ चलेगी, यह बावजूद कोरोना के जहां दुनिया में तबाही हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने है कि सब्सटेंशियल पाकिस्तान की ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। उसके साथ साथ हमने देखा इकोनॉमिस्ट ने 3 साल लगातार पाकिस्तान को टॉप 3 कंट्रीज में किया जिन्होंने कोरोना से जबरदस्त रिकवरी की है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि उन्होंने एहसास प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे और उस हवाले से पाकिस्तान की जो है भरपूर पजराई की है। वलीद इकबाल साहब जी, कायदे हिजब इख्तलाफ ने हाल ही में यह बयान दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन की जो मुलाकातें हैं उनके बारे में फिक्रमंद ना हो, वो मुल्क का निज़ाम चलाएं। तो मैं चाहता हूं कि बावर कर लें कायदे हिजब इख्तलाफ।